नमस्कार दोस्तों, आज के नए वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के नए वीडियो में बताए हैं कि इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ टाइप करेंगे सर्विस प्लस। सर्विस प्लस करके इंटर करेंगे, फिर सर्विस प्लस मीट डाटा इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपना आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। फिर कैप्चर डाल के लॉगिन करेंगे। लॉगिन होने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद अप्लाई फॉर सर्विस यहाँ क्लिक करेंगे, फिर व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस यहाँ क्लिक करेंगे। इसके बाद स्क्रॉल करके फोन नंबर में क्लिक करेंगे। फोन नंबर में क्लिक करने के बाद सीरियल नंबर 31 में इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट यहाँ क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद फॉर्म ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद आपको नॉर्मली में यानी नॉर्मल में आराम से बनता है और तत्काल में तुरंत बनता है। 1 हफ्ता के अंदर अंदर बन जाएगा और नॉर्मल में देर कुछ समय लगता है, महीना दिन। चलिए सबसे पहले फॉर्म फिलअप करते हैं। सॉल्यूशन यानी लड़का या लड़की। लड़का के लिए श्री, लड़की के लिए कुमारी या शादीशुदा के लिए औरत के लिए SMT करना है। तो चलिए कुमारी, जेंडर फीमेल, फर्स्ट नाम लास्ट नाम। डेट ऑफ बर्थ मोबाइल नंबर। फ्रेश सर्टिफिकेट, फिर यहाँ इनकम आपकी रिपीट नंबर। आपकी रिपीट नंबर मांग रहा है तो आपकी रिपीट नंबर डाल देंगे। फिर डेट, आपके डिपिट में किस तारीख को सिग्नेचर हुआ है, बना है। एप्लीकेशन इज सोनिया डॉटर सोन सीरी।
पिता का नाम। फिर यहाँ एड्रेस यानी अपना पता। फिर यहाँ कंट्री चूज करना है, इंडिया, स्टेट झारखंड, डिस्ट्रिक्ट, सब डिविजनल, गुमला, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन। अब शहर से हैं या देहात से? देहात से हैं तो रूलर बोलो, ग्राम पंचायत, अपना गांव, विलेज, पिन कोड। फिर यहाँ कुछ नहीं भरना है, नीचे आ जाना है, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस यहाँ क्लिक करना है, यस करना है अगर सेम एड्रेस है तो। फिर यहाँ आने के बाद आपका इनकम यानी आपका साल में कितना आय होता है उसको भरना है। फिर इसके आगे 00 डाल देना है। गवर्नमेंट सर्विस यानी आपके घर में कोई सरकारी जॉब करते हैं तो यस, सर नहीं तो नो। विलेज, फिर यहाँ एजुकेशनल या तो फिर शिक्षा के लिए करना चाहते हैं शिक्षा, और नौकरी के लिए तो नौकरी, शिक्षा के लिए हम कर रहे हैं एजुकेशन। फिर यहाँ आने के बाद कैप्चर डाल देंगे, कैप्चर डालने के बाद सबमिट कर लेंगे। सबमिट होने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर इतना होने के बाद पहले डॉक्यूमेंट स्कैन कर लेते हैं। चलिए मेरा डॉक्यूमेंट स्कैन हो गया है, डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। सबसे पहले नहीं, ये 5-6 डॉक्यूमेंट को स्कैन करना होता है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, उसको स्कैन कैसे करते हैं उसको बताते हैं। पहला है फॉर्म, फॉर्म को आगे पीछे स्कैन कर लेना है। फॉर्म होने के बाद रसीद, रसीद होने के बाद आधार कार्ड, आधार कार्ड होने के बाद आप पीडीपी को स्कैन कर लेना है। फिर स्कैन होने के बाद फिर से हम लोग यहाँ आ जाएंगे सर्विस प्लस में। यहाँ आने के बाद चेक एनुअल, इसमें क्लिक करेंगे। चलिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं। सैलरी स्लिप डॉक्यूमेंट चूज करेंगे। फिर सेकेंड में इनकम रिलेटेड एफिडेविट, हाँ भी वही जो हम पीडीएफ बनाए उसी को अपलोड करेंगे। हम लोग का डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। फिर हमको मेक पेमेंट यानी पैसा कटना है। पैसा पे करने के लिए मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपना पासवर्ड डालेंगे। फिर एक पासवर्ड वॉलेट पे, फिर पे करेंगे। पे होने के बाद इस प्रकार का हम लोग का स्लिप निकल आएगा।
निकालने के बाद प्रिंट मारेंगे ऊपर साइज में,